शकीरा फिल्म्स में आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें एक छोटे से बच्चे ने सिखाया कि अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रुकेगा। ये फिल्म रिलीज हुई थी सन 1993 में। ये कहानी है जोश नाम के 7 साल के बच्चे की जो बड़ा होकर चेस का वर्ल्ड चैम्पियन बना। जोश अपने माता पिता के साथ और अपनी छोटी बहन के साथ वॉशिंगटन में रहता था और हमेशा की तरह वो अपने पिता और अपने दोस्तों के साथ पार्क में हाइड एंड सीख खेल रहा है। जोश और उसके दोस्त हाइड एंड सीख खेलते हुए झाड़ियों के पीछे इधर उधर पार्क में छिप रहे हैं और वो पार्क के एक दूसरे कोने में पहुंच जाता है जहां पे कई सारे लोग गेम खेल रहे होते हैं, जैसे लूडो, चेस और भी दूसरे गेम। जोश को चेस का गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और वो वहां खड़े होकर उसे देखने लगता है। कुछ देर बाद वहां पार्क में बारिश भी हो जाती है लेकिन जोश वहां से नहीं जाता, वो गेम देखता रहता है। स्कूल से वापस आते समय जब उसकी माँ पूछती है कि क्या वो कुछ खाना चाहेगा, वो कहता है कि वो पार्क जाना चाहता है। हालांकि उसकी माँ को पार्क का माहौल अच्छा नहीं लगता क्योंकि जो लोग वहाँ पार्क में थे वो लोग ऐसे थे जिनका कोई घर नहीं था या कोई जॉब नहीं थी, ऐसे लोग थे वो। उस पार्क में कुछ लोग चेस खेल रहे थे तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो स्मोकिंग और ड्रग्स का काम भी कर रहे थे। जोश को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो सिर्फ गेम देखने में मगन था। वो बड़े ही ध्यान से उन दो लोगों के बीच चल रहे चेस को देख रहा था। जोश को चेस गेम इतना पसंद आया कि उसने घर आकर अपने खिलौनों से चेस के प्यादे, राजा, रानी, हाथी, घोड़े सब बना लिए। अगले दिन वो फिर से पार्क में जाता है जहाँ कुछ लोग चेस खेल रहे थे। वहाँ एक बूढ़ा आदमी भी था जो अकेले बैठा था। उसने एक छोटा बोर्ड लगा रखा था कि अगर उसके साथ खेलना है या फोटोग्राफ लेनी है तो उसे $5 देने पड़ेंगे। उस बोर्ड में ये भी लिखा था कि उसने 1953 में एक चैंपियन को हराया था। जोश की माँ उस बूढ़े आदमी के पास जाती है और उसे $5 देती है। वो आदमी पूछता है कि गेम खेलना है या फोटोग्राफ, तो वो औरत कहती है कि मेरे बेटे को खेलना है। और गेम में एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो दूसरे आदमी को चेक भी करता है लेकिन तुरंत ही वो आदमी जोश के दांव को पलट देता है। जोश उस गेम में हार जाता है लेकिन अपने मूव से उसने एक दूसरे आदमी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। जाते हुए वो आदमी उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और जोश उसे अपना नाम बताता है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे खेल के दांव पेच बॉबी फिशर की तरह है। बॉबी फिशर एक बहुत बड़ा चेस का चैंपियन था। जोश की माँ को भी बहुत आश्चर्य होता है कि आखिर इसने गेम खेला कैसे, क्योंकि जोश ने कभी इससे पहले चेस नहीं खेला था। जोश के पिता फ्रेड घर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर चेस पड़ा हुआ है और फ्रेड जोश को चेस खेलने के लिए बुलाता है। जोश चेस खेलते हुए अपने पिता से हार जाता है। फ्रेड अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुमने कहा था कि जोश चेस खेल रहा था लेकिन वो तुमसे हार गया। जोश की माँ कहती है कि वो तुमसे जानबूझकर हारा है, वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। ये सुनकर जोश के पिता एक बार और चेस खेलने के लिए जोश को बुलाते हैं। जोश की माँ कहती है कि तुम अपने पिता को हरा सकते हो, ऐसा करके तुम उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करोगे। और जोश और उसके पिता के बीच चेस का गेम स्टार्ट होता है। कुछ देर बाद उसके पिता एक चाल में फंस जाते हैं। जोश अपने पिता को गेम के साथ छोड़कर किसी से फोन पे बात करने लगता है। इस बीच उसके पिता उसे बुलाते हैं और वो जाता है और बिना देखे तुरंत अपने मूव्स करके वापस चला आता है। उसके पिता को लगता है कि वो हार गया लेकिन जब वो मूव फिर देखते हैं वो फिर से फंस जाते हैं और अंत में वो गेम हार जाते हैं। जोश के पिता जोश को लेकर एक आदमी के पास जाते हैं जो कभी चेस का मास्टर हुआ करता था। उसका नाम था ब्रूस। जोश वहाँ एक आदमी के साथ चेस खेलने लगता है। ब्रूस जोश को ट्रेनिंग देने से मना कर देता है लेकिन उसका गेम जरूर देखता है। जोश पार्क में विनी नाम के आदमी के साथ चेस खेल रहा था और उसे बहुत सारे लोग देख भी रहे थे। कुछ लोग जोश को बॉबी फिशर का जूनियर कह रहे थे। ब्रूस भी वहाँ आता है और उसका गेम देखता है और जोश के पिता से कहता है कि तुम्हारा बेटा बॉबी फिशर की तरह खेलता है और वो उसे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार भी है। फ्रेड उसे अपने घर लाता है और जोश से मिलवाता है। जोश और ब्रूस कुछ देर तक बातें भी करते हैं। इसी तरह ट्रेनिंग के दौरान ब्रूस जोश को बताता है एक ऐसे सर्टिफिकेट के बारे में जो बहुत ही रेयर था
वो सर्टिफिकेट्स उन लोगों को दिए जाते थे जो चेस खेलने में माहिर थे, जिनके मूव्स का कोई जवाब नहीं था। ब्रूस जॉर्ज से कहता है कि ये सर्टिफिकेट भी तुम्हारा हो सकता है, इस पर तुम्हारा नाम हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें मास्टर क्लास पॉइंट्स जीतने होंगे। ब्रूस जॉर्ज के माता पिता से कहता है कि जॉर्ज का पार्क में खेलना बंद करवा दें, और इसका असर ये है कि मैं उसे जो भी सिखा रहा हूँ जॉर्ज उस पर ध्यान नहीं देता। जॉर्ज की माँ कहती है कि नहीं, उसे पार्क में खेलना पसंद है। पार्क में खेलते हुए विनी ने जॉर्ज को हमेशा अटैकिंग मोड में खेलना सिखाया था, जबकि ब्रूस का मानना था कि उसे डिफेंसिव में खेलना चाहिए। जॉर्ज एक चेस टूर्नामेंट के लिए भी जाता है, लेकिन ब्रूस वहाँ नहीं जाता, वो उससे माफी मांगता है। ब्रूस जॉर्ज को कहता है कि तुम किसी भी हाल में क्वीन को पहले आगे नहीं करना और डिफेंसिव मोड में खेलना। टूर्नामेंट शुरू होता है, वहाँ कई सारे बच्चे होते हैं अलग अलग जगहों से आए हुए। टूर्नामेंट शुरू होता है और एक एक करके सारे बच्चे टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, लेकिन टूर्नामेंट में अभी भी जॉर्ज और एक बच्चा है जो दोनों साथ में खेल रहे हैं। जॉर्ज ये टूर्नामेंट जीत जाता है विनी के बताए अटैकिंग मोड से। जॉर्ज इसी तरह से और भी टूर्नामेंट्स जीतता है और भी अवार्ड्स जीतता है। जॉर्ज की स्कूल टीचर भी फ्रेड से कहती है कि जॉर्ज के चेस खेलने से उसकी पढ़ाई में रुकावटें आ रही हैं। जॉर्ज के पिता को टीचर की ये बात बुरी लगती है। वो जॉर्ज को चेस खेलने के लिए हर तरफ से सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें उसकी पढ़ाई और दूसरी चीजें नुकसान हो रही थी, इसका उन्हें कोई ख्याल नहीं था। और जॉर्ज का चेस खेलना उनके लिए एक तरह से जिद हो गई थी। और इसके लिए फ्रेड जॉर्ज का स्कूल भी चेंज करा देता है, एक प्राइवेट स्कूल जहाँ पे चेस की क्लासेस भी थी। लेकिन जॉर्ज इस नए स्कूल से बहुत खुश नहीं था। जॉर्ज ये बात पार्क में विनी को भी बताता है। जॉर्ज और विनी देखते हैं कि पार्क में एक जगह बहुत भीड़ इकट्ठा है, और उन्हें लगता है कि वहाँ पे बॉबी फिशर आया है। वो दोनों वहाँ बहुत तेजी से जाते हैं, लेकिन वहाँ देखते हैं कि एक जॉर्ज की उम्र का बच्चा उसी बूढ़े आदमी के साथ चेस खेल रहा है जिसके साथ जॉर्ज ने पहली बार चेस खेला था। वहाँ खड़े सभी लोग उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे, और अंत में वो लड़का उस बूढ़े आदमी को गेम में हरा देता है। उसी दिन वो लड़का अपने गार्जियन के साथ ब्रूस के स्कूल में आता है एडमिशन लेने के लिए। उस लड़के को खेलते हुए देख कर जॉर्ज के मन में हीन भावना आ गई थी। उसे डर लगने लगा था कि वो जीत नहीं पाएगा, और वो ये बात अपने पिता से भी कहता है कि हो सकता है कि वो हार जाएगा, लेकिन उसके पिता उसे हिम्मत देते हैं कि वो जरूर जीतेगा। जॉर्ज एक दूसरे टूर्नामेंट में खेलने जाता है। वहाँ उसके सामने दूसरा बच्चा देखकर उसे घबरा जाता है। वो बच्चा डर जाता है कि वो जॉर्ज से हार जाएगा। जॉर्ज उस बच्चे की घबराहट को भांप लेता है। उस टूर्नामेंट में जोनाथन भी था। जोनाथन वही बच्चा होता है जिसे जॉर्ज ने पार्क में देखा था खेलते हुए, और जॉर्ज ये गेम हार जाता है। जॉर्ज के पिता को यकीन नहीं होता कि जॉर्ज इतनी जल्दी गेम हार कैसे गया, वो भी सिर्फ 7 चालों में। वो उससे ये भी पूछते हैं कि क्या उसने ब्रूस के बताए तरीके से खेला। जॉर्ज उन्हें कुछ भी नहीं बताता। जॉर्ज सिर्फ ये कहता है कि हो सकता है वो बच्चा मुझसे अच्छा खेलता हो, लेकिन जॉर्ज के पिता को मालूम था कि ये बात सच नहीं है। इस गेम के बाद जॉर्ज के टीचर ब्रूस उसके लिए नए रूल्स बनाते हैं। रूल्स में ये था कि अब से वो अटैकिंग मोड में नहीं खेलेगा, जैसा वो पार्क में विनी के साथ खेलता आया था, जो उसे पसंद था। लेकिन जॉर्ज इस बात से इनकार करता है। उसे पार्क में खेलने से भी मना कर दिया गया था। जॉर्ज का चेस में इंटरेस्ट भी कम हो गया था। वो अब उतनी खुशी के साथ नहीं खेलता था जितना उसने पहले खेला था। जॉर्ज अपने टीचर ब्रूस से उन सर्टिफिकेट्स के बारे में पूछता है जो ब्रूस ने कभी उसे दिखाए थे। ये सुनकर ब्रूस बहुत गुस्सा होता है और उसके सामने कई सारे सर्टिफिकेट्स फेंकता है, और कहता है कि ये सर्टिफिकेट सिर्फ कागज का टुकड़ा है। ये सब सुन के जॉर्ज की माँ वहाँ आती है और ब्रूस को घर से बाहर जाने के लिए कहती है। हालांकि जॉर्ज के पिता चाहते हैं कि ब्रूस अब भी जॉर्ज को ट्रेनिंग दे, लेकिन उसकी माँ ऐसा नहीं चाहती। वो कहती है कि मेरे बेटे ने अपना इंटरेस्ट खो दिया है चेस खेलने में, वो ऐसे नहीं खेलता जैसा वो पहले खेलता था। जॉर्ज के पिता को अपनी जिद का एहसास होता है। वो जॉर्ज के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि जॉर्ज वहाँ कुछ कैलकुलेशन कर रहा होता है चेस की। वो जॉर्ज से कहते हैं कि अगर तुम नहीं खेलना चाहते हो तो तुम गेम छोड़ सकते हो। जॉर्ज कहता है कि नहीं, वो नहीं कर सकता, उसे जीतना है हर हालत में। जॉर्ज के मन में ये बात बैठ गई थी कि अगर वो नहीं जीतेगा तो उसे उसके पिता का प्यार भी नहीं मिलेगा। अगली सुबह जॉर्ज के पिता उसे पार्क ले जाते हैं, जहां वो विनी के साथ फिर से गेम खेलता है। वो विनी के साथ उसी उत्साह के साथ खेलता है जैसा उसने शुरू किया था। उसका खोया हुआ इंटरेस्ट अब लौट आया है। अब वो चेस अपने खुशी के लिए खेलता है, ना कि जीतने के लिए। ब्रूस जॉर्ज के पिता के पास आता है और पूछता है कि क्या वो फाइनल्स के लिए तैयारी कर रहा है। फ्रेड कहता है कि हाँ, वो तैयारी कर रहा है और वो पहले से बेहतर खेल रहा है। ब्रूस कहता है कि उसे कैसे मालूम। तो इस पर फ्रेड कहता है कि वो अब खुशी से खेलता है। फ्रेड ब्रूस को इनवाइट भी करता है उनके साथ चलने के लिए फाइनल्स में, लेकिन ब्रूस कहता है कि वो नहीं जाएगा। जॉर्ज अपनी फैमिली और विनी के साथ शिकागो पहुंच जाता है चैंपियनशिप के लिए। ये चैंपियनशिप 2 दिनों के लिए थी। मैच के लिए जाते समय फ्रेड उसका
हौसला बढ़ाते हैं, ना कि ये कहते हैं कि उसे सिर्फ जीत कराना है। हॉल में अलग अलग जगह से अलग अलग देशों से आए हुए ढेर सारे बच्चे होते हैं और इन बच्चों में जोनाथन भी था। जोनाथन वही बच्चा है जिसने पार्क में उस बूढ़े आदमी को हरा दिया था। जोनाथन की नजर जॉश पर थी। जॉश एक एक करके सारे राउंड्स क्लियर करता जाता है और आखिरी राउंड में बच जाते हैं सिर्फ जोनाथन और जॉश, जो आखिरी राउंड है। फाइनल राउंड से पहले कुछ समय है और इस दौरान जॉश से मिलने आता है ब्रूस और वो जॉश को उसका सर्टिफिकेट फ्रेम करा कर देता है। जॉश को हमेशा से वो सर्टिफिकेट चाहिए था। जॉश अपने टीचर से कहता है कि उसे मैच से डर लग रहा है। उसके टीचर कहते हैं कि मैच खत्म होने तक वो यहीं रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ये पहला मैच था जब ब्रूस जॉश का मैच देखने आया था। जॉश और जोनाथन का मैच शुरू होता है। हॉल में सिर्फ जॉश और जोनाथन है, बाकी सारे लोग बाहर स्क्रीन में देख रहे होते हैं। जॉश और जोनाथन के बीच का गेम शुरू होता है। जॉश सबसे पहले अपनी क्वीन को आगे करता है। जॉश अपने अटैकिंग तरीके से ही खेलता है और जोनाथन इस मौके का फायदा उठाकर उसकी क्वीन को मार देता है। ये देखकर जॉश के पिता और उसके टीचर बहुत निराश हो जाते हैं। जॉश की माँ को लगता है कि गेम ओवर हो गया। वो विनी से पूछती हैं। विनी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जॉश के खेलने का तरीका है। गेम आगे चलती है और कुछ देर बाद जॉश भी जोनाथन के क्वीन को मार देता है। जोनाथन उसे अपना दुश्मन समझकर खेल रहा था, जबकि जॉश ऐसा नहीं कर रहा था। वो सिर्फ उसके साथ खेल रहा था। उसे जीतने और हारने का कोई डर नहीं था। गेम में एक ऐसा टाइम आता है जब जॉश को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो शांत हो जाता है। उसे अपने टीचर की बात याद आती है कि जब तक तुम्हें गेम समझ ना आए तुम कोई भी मूव नहीं करना। जॉश यहाँ सोच में पड़ जाता है। वो जोनाथन की तरफ हाथ भी बढ़ाता है कि उन दोनों को मैच ड्रॉ कर देना चाहिए और चैंपियनशिप को शेयर कर लेना चाहिए, लेकिन जोनाथन इस बात से इनकार कर देता है। दोनों अपनी अपनी चालें चलना शुरू करते हैं और एक पल ऐसा आता है कि दोनों के पास सिर्फ किंग और एक एक पॉन बचा है और अपने अपने पॉन की मदद से वो दोनों अपने वजीर यानी क्वीन को जिंदा करना चाहते हैं। सबसे पहले जोनाथन पहुंचता है एंड पर और अपने वजीर को जिंदा करता है। जॉश भी अपने एंड पर पहुंचता है और अपने वजीर को जिंदा करता है। जैसे ही जॉश का वजीर गेम में वापस आता है वो उसी लाइन में होता है जहाँ जोनाथन का किंग है और उसी लाइन में उसकी क्वीन भी होती है। और अब जॉश के वजीर से जोनाथन के किंग को चेक है, यानी उसे किंग को कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा। जोनाथन बिना सोचे जैसे ही अपने किंग को पीछे करता है जॉश उसी लाइन में उसकी क्वीन को मार देता है और एक बार फिर उसकी क्वीन गेम से बाहर हो जाती है। मतलब कि जॉश ये गेम जीत जाता है, ये चैंपियनशिप जीत जाता है। चैंपियनशिप जीतने के बाद जब वो वापस घर आते हैं तो उसके माता पिता को जॉश पर बहुत ही गर्व होता है। जॉश अपने दोस्त के साथ टहल रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि जब वो उसकी एज का था तो उसे भी इतना अच्छा खेलना नहीं आता था। जॉश का दोस्त भी चैंपियनशिप में पार्ट ले चुका था लेकिन वो इतना अच्छा नहीं खेलता था। जॉश ये कहके उसका मनोबल बढ़ा रहा था। 7 साल के जॉश ने हमें ये भी सिखाया कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप दूसरे लोगों से प्रेरणा लीजिए, उनकी तरह बनने की कोशिश न कीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और शकीरा फिल्म्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।